आज जो बीजेपी की सियासत है वो कौमों को तोड़ने की सियासत है, मुसलमान सिख ईसाई हिंदू को अलग करने की है। वो चाहते हैं कि इस चीज़ से वो इलेक्शन जीत सकें। वो लोगों में नफ़रतें पैदा कर रहे हैं। मैंने बार बार कहा है इलेक्शन हमें जोड़ता नहीं है, हमें तोड़ता है और मुल्क को कमज़ोर करता है, क्योंकि इसी तरह से हम नफ़रतें पैदा करते हैं। अगर इलेक्शन लड़ना था तो इन्हें बताना था कि 5 साल में इन्हें किया क्या, क्या इन्होंने 2 करोड़ नौकर लगाए लोग, क्या इन्होंने किसानों के लिए कुछ अच्छा किया, क्या यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो बढ़ गई। हमारी हालत देखिए, कहते हैं बिजली हर जगह है, क्या सचमुच हमारे गांव में बिजली है, हमारे शहरों में बिजली नहीं है, रेल आज तक नहीं पहुंची, जबकि इसका वादा था कि 2007 में आपके बनिहाल तक पहुंच जाएगी और कनेक्शन हो जाएगा सारे वतन के साथ। आप कहते हैं 2025 में, लड़ाई हो गई तो मैं समझता हूँ ये कभी बनेगी ही नहीं। सड़क को देखिए, 30 मील इनकी सड़क जो है वो ये नहीं कर सके, तो झांसे क्या मार रहे हैं ये, क्या मुल्क को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं, ये मुल्क को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। और अगर ये समझते हैं इस जंग से ये जीतेंगे तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ इस जंग से ये हार जाएंगे, सिक्योरिटी उससे कुछ नहीं कर सकेंगे, ये लोगों को दबा नहीं सकते। करें, कई दफा हुआ है और भी करें, इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। वजीर आजम अगर लाल किले से ये कहते हैं कि हमने दिलों को जोड़ना है, हमने कश्मीरियों को दिलों को अपने साथ मिलाना है, तो इससे वो दिल नहीं मिला रहे, इससे वो नफरत पैदा कर रहे हैं, और इस नफरत को दूर करने का ये रास्ता नहीं।